सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपके भी पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप कैमरे वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं किसी भी इवेंट को कैप्चर करने के लिए, तो जो आपका कैमरा वाला ऑप्शन है वो काम नहीं करता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक कर पाएंगे। आइए आज इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों की प्रॉब्लम आसानी से दो मिनट में ठीक हो जाएगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग फ़ोटो को कैप्चर करने जाते हैं तो फोटो कैप्चर नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ़ोटो का आइकन दिया गया है हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सेटिंग आपको बताएंगे जिससे कि आप आसानी से इस कैमरे वाले ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप से आप लोगों को हट जाना है, यानी बैक कर लेना है, ठीक है। बैक होने के बाद आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल है उस पर आप लोगों को 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। चलिए हम यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे एक सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे परमिशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस परमिशन वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जिस ऐप को यूज़ करते हैं उसको परमिशन हमें देना होता है, कैमरे के लिए, लोकेशन के लिए, फाइल एंड मीडिया के लिए। तो हमें क्या करना है कि जो कैमरे वाले ऑप्शन है उसको हम लोगों को परमिशन देनी है, यानी कि परमिशन आप लोगों का यहाँ पे डोंट अलाउ करके होगा तो हम लोग को इसको अलाउ कर देना है जिससे कि आपका जो कैमरे वाला ऑप्शन है वो ओपन होने लगे। देखिए, अभी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप का जो कैमरे वाला ऑप्शन है यहाँ पे डोंट अलाउ किया गया है। हमको क्या करना है, ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन पे अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग दिस ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा ये प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगी। चलिए हम इसको अलाउ कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि फिर से पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कैप्चर वाले पे क्लिक करेंगे, यानी जिस पे हम लोग फ़ोटो कैप्चर करते हैं इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो आइकन पे क्लिक करते हैं फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो कैमरा वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं ये इस वीडियो को घर पे शूट कर रहा हूँ जिसके कारण आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जो कैमरा वाला ऑप्शन है अगर आपका काम नहीं करता है तो जो मैंने सेटिंग आपको बताई है उस सेटिंग को अलाउ कर देंगे तो आपका कैमरा का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।